सो आज मैं भगवद गीता चैप्टर 18 द कंक्लूशन परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 4 को कवर करूंगी। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निश्चयाम श्रीनु मे तत्रा त्यागे भरता सत्तमा त्यागो ही पुरुषा व्यग्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। ओ बेस्ट ऑफ द भरतास, नाउ हियर माई जजमेंट अबाउट रिनाउंसिएशन। ओ टाइगर अमंग मैन, रिनाउंसिएशन इज डिक्लेयर्ड इन द स्क्रिप्चर्स टू बी ऑफ थ्री काइंड्स। तो श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने पूछा था कि कितने तरीके के मतलब त्याग होते हैं, संन्यास जीवन कैसी होती है, उन सब के बारे में पूछा था। तो उन्होंने बताया कि जो भी रिनाउंसिएशन यानी कि जो त्याग होता है उसके बारे में उनका जो जजमेंट है उसके बारे में वो बताने जा रहे हैं, जो कि स्क्रिप्चर्स में लिखा है तीन तरीके के होते हैं। वो एक एक करके हर श्लोक में बताएंगे, यहाँ के जितना उन्होंने बताया उसके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। ऑल दो देर आर डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन अबाउट रिनाउंसिएशन, हियर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण गिव्स हिज जजमेंट विच शुड बी टेकन एज फाइनल। आफ्टर ऑल द वेदास आर डिफरेंट लॉज गिवन बाय द लॉर्ड, हियर द लॉर्ड इज पर्सनली प्रेजेंट एंड हिज वर्ड शुड बी टेकन एज फाइनल। द लॉर्ड सेज दैट द process of renunciation should be considered in terms of modes of material nature in which they are performed। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग माइंडसेट हो सकता है रिनाउंसिएशन यानी त्याग को लेकर के। अलग अलग स्क्रिप्चर्स में अलग तरीके से बोला जा सकता है, किसी स्क्रिप्चर में बोलेंगे भगवान ने ये बोला है, किसी में बोलेंगे भगवान वो बोला है। यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं, भगवद गीता हमें पता है भगवान खुद बोलते हैं, तो इसीलिए जो यहाँ पे बोला जा रहा है इसी को ही फाइनल मानना चाहिए, उसी प्रक्रिया से ही त्याग करना चाहिए। भगवान ने कभी भी नहीं बोला है कि आप सबको छोड़ छाड़ के काम वाम आप संन्यास लेकर के सिर्फ मेरा नाम ध्यान करो। उन्होंने बोला है हमेशा ही अपना प्रोफेशन या अपना काम जो है उसको बरकरार रखते हुए मेरा भक्ति करो, ठीक है, एंड भक्ति कभी भी छोड़ो मत। सो यही तक है श्लोक नंबर 4 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18। अगले दिन हम श्लोक 5 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे जय श्री राम।